एसडीएम सदर गौरव सिंह सोगरवाल ने तहसील सदर क्षेत्र में कोरोना के बढ़ते मरीजों की संख्या को देखते हुए लोगों से अपील किया है कि शहर में प्रतिदिन 22 स्थानों पर शिविर लगाकर कोरोना की जांच कराई जा रही है। इसके अलावा 5 जगहों पर मोबाइल वैन के माध्यम से कोरोना की जांच कराई जा रही है। एसडीएम सदर ने बताया कि 19 सितंबर से शनिवार को टीकाकरण का दिन है। इसके बावजूद राप्ती कॉम्प्लेक्स, असुरन चौक, फर्टिलाइजर, नेपाल क्लब, ऐसे ही कुल 5 जगहों पर जाँच शिविर लगाया जाएगा। लोगों से अपील है कि किसी भी तरह का लक्षण दिखने पर जांच शिविर पर पहुंचकर निःशुल्क कोरोना जांच कराएं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसडीएम सदर गौरव सिंह सोगरवाल ने कहा, कल शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में नियमित टीकाकरण का दिन है। बुधवार और शनिवार को नियमित टीकाकरण होता है, इसके कारण ये शिविर नहीं लगेगा। कल केवल मेडिकल मोबाइल यूनिट के माध्यम से लगेगा, राप्ती कॉम्प्लेक्स में लगेगा कल, और फर्टिलाइजर में है, नेपाल क्लब में लगेगा। बाकी शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के नियमित टीकाकरण होने के कारण ये नहीं लगेगा, रविवार को लगेगा। तहसील सदर गोरखपुर फेसबुक पेज के माध्यम से भी आप इसकी सूचना प्राप्त कर सकते हैं।